क्या हुआ जब एक साधु को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया और फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सत्य चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत आने वाले भगवानपुर गांव की। इस गांव में महादेव का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर था जिसमें दर्शन करने के लिए सभी शहरों और गांव से भक्तजन आया करते थे। लेकिन इस मंदिर में वीआईपी दर्शन की जो सुविधा थी उस वजह से बाकी दर्शनार्थियों को बहुत इंतजार करना पड़ता था। इसी गांव में अनुराग पवार नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जिनकी सरकारी नौकरी लग जाने के कारण उन्होंने इस महादेव मंदिर में अपने परिवार के साथ आरती करने की योजना बनाई। लेकिन जब वो आरती की थाली लेकर भगवान के दर पर पहुंचे तो उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि अंदर गांव के ठाकुर साहब भगवान की आरती कर रहे हैं और जब तक उनकी आरती पूरी नहीं हो जाती मंदिर के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह सब बात सुनकर अनुराग को बहुत गुस्सा आया कि भगवान की पूजा में इस तरह का भेदभाव करना कहाँ तक सही है और हमें इस मंदिर में वीआईपी दर्शन की प्रथा को बंद कर देना चाहिए। लेकिन गार्ड्स ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मंदिर के बाहर कर दिया। इसी बीच वहां पर एक साधु महाराज पहुंच गए जो काफी सिद्ध पुरुष मालूम पड़ रहे थे। उन्होंने उस महादेव मंदिर में अंदर जाने का प्रयास किया तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें भी रोक दिया, जिसके बाद उन साधु महाराज ने कहा कि साधु का असली घर तो मंदिर ही होता है, अगर आज तुमने मुझे इस मंदिर में नहीं जाने दिया तो ठाकुर परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गार्ड्स ने उनकी एक नहीं सुनी और धक्के मारकर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। अनुराग उस समय ये सब कुछ देख रहा था। वो साधु महाराज उसी स्थान पर ध्यान अवस्था में चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद अंदर आरती कर रहे ठाकुर साहब को एक कॉल आया। उस कॉल में उन्हें पता चला कि उनके व्यापार में उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ है, जिसके कारण उनके पास अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं बची है, जिसके बाद वे पूरी तरह से बौखला गए। आधी अधूरी आरती छोड़कर वो अपने घर के लिए रवाना हुए। घर जाकर उन्होंने पाया कि उनका बच्चा चढ़ाव पर से नीचे गिर गया है। वह चारों तरफ से अलग अलग मुसीबतें आने लगी। वे एक जगह बैठकर ये सोचने लगे कि आखिर उनसे कौन सी बड़ी गलती हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल रही है। तभी वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि जब आप मंदिर के अंदर आरती कर रहे थे तभी एक साधु महाराज दर्शन के लिए अंदर आना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। शायद उसी का सिला आप इस रूप में भुगत रहे हैं। जिसके बाद वे ठाकुर साहब तुरंत मंदिर के लिए पुनः रवाना हुए। वे साधु महाराज अभी भी वही ध्यान अवस्था में लीन थे। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस मंदिर में मौजूद वीआईपी दर्शन की प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना के बाद अनुराग और उसके परिवार ने बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान की आरती करी और उन साधु महाराज के चमत्कार को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ लोगों का कहना था कि साधु महाराज के रूप में स्वयं महादेव आए थे ताकि वो इस मंदिर में व्याप्त वीआईपी दर्शन की प्रथा को बंद करा सके। आज भी भारत के कई ऐसे मंदिर हैं जहां ये प्रथा विद्यमान है और भक्तों के साथ अन्याय होता है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर